हेलो एवरीवन हेलो दोस्तों उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर जूलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा की किसकी गुड आफ्टरनून सबको एनिमल डाइवर्सिटी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉडेटा डेटा पहले लेक्चर के अंदर नॉन कॉडेटा के अंदर हमने बात की थी क्योंकि वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था और कॉडेटा पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिछले ए के पेपर में पूछे गए थे हेलो सबको भाई सबको चलिए अब शुरू करते हैं कॉडेटा के सफर को और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ चलिए वही पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस के अंदर तो कॉर्डेट का मेन गिवन है और यहां हम बात करते हैं जो आपको अंडरलाइन में जो कर रहा हूं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना है ब्रेंकियोस्टोमा हडमानिया और यहां एक लार्वा की बात कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है पेट्रोमाइजोन से सवाल आने के चांस और फिर जो आ जाता है इसके अंदर कॉर्डेटा के अंदर जितने भी हम बात करते हैं फिश की बात करते हैं फीबिया की बात करते हैं फिर रेप्टाइल की बात करते हैं बर्ड्स की बात करते हैं और मैमल्स की बात करते हैं और फिर जो एक दूसरा पार्ट है कॉर्डेट एडेप्टंस जिसमें स्केल ऑफ फिन माइग्रेशन प्रवास के बारे में पेरेंटल केयर के बारे में एम्फीबिया और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को लेके गया था पिछली बार पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स सबकी बातें करेंगे अपन फ्लाइट एडेप्टन और बर्ड माइग्रेशन और तीसरा पार्ट एसीएफ के सिलेबस में है एडेप्टिव रेडिएशन अनुकूली विकिरण क्या बोलते हैं इसको अनुकूली विकिरण और डेंटेशन के बारे में दे रखा दंत विन्यास के बारे में चलिए सारे सिलेबस को कवर करते हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का सफर हम शुरू करने वाले हैं चलिए सब आ जाइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ पहला जो सवाल है हमारा कॉर्डेट्स है यानी जो कॉर्डेटा होते हैं प्रस्ट वंशी होते हैं क्या है डोर्सल होलो सिंगल सीएनएस डोर्सल का मतलब होता है पृष्ठ की तरफ होलो का मतलब खाली और सिंगल सीएनएस का मतलब है एकल सीएनएस ठीक है जी वेंट्रल हार्ट अदर हृदय की बात करें पोस्ट एनाल टेल की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की कॉर डेटा और दूसरा होता है नॉन कॉर्डेटा यानी पृष्ठवंशी और अप्रष्टवंशी के अंदर एक महत्वपूर्ण फर्क की बात कर रहा हूं बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में पहला दे रखा है सीएनएस का अगर मैं कहूं तो सीएनएस के अंदर हम कॉर्डेटा में देखो हमें देखो जो कॉर्डेटा की बात करें हमें हमने को देखना मेमस को देखना है हमारा दिमाग सी का है आगे के पीछे पीछे साइड होता है इसको हम क्या कहते हैं इसके अंदर डोर्सल देखो वी हम आगे वेंट्रल और डी दुनिया पीछे डोर्सल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता वेंट्रल हम आगे तो आगे वाला पार्ट वेंट्रल कहलाता पीछे वाला पार्ट डोर्सल कहला हमारा दिमाग सीनेस पीछे की तरफ है डोरसल साइड में है कैसा है काली हम बढ़ने के लिए तो आते हैं तो होलो होता है कैसा है सिंगल है ये हमारे कैरेक्टर है नॉन कॉर्डेटा का अगर सवाल अगर ये घूमकर आता है उसमें नॉन कॉर्डेटा में तो उनका जो दिमाग होता है सॉलिड होता है कैसा होता है ठोस होता है कैसा होता है भरा हुआ होता है क्या होता है वेंट्रल साइड में होता है अदर सतह की तरफ रहता है और कैसा होगा सिंगल के डबल डबल होता है कैसा होता है डबल होता है ये सारे गुण नॉन कॉडेटा में देखने को मिलते हैं हमारा हृदय कहां है आगे की तरफ है पीछे की तरफ है आगे की तरफ है तो बिल्कुल सही है ये पोस्ट एनाल्टेल गुदा पूछ की बात करें ये भी एक कॉडेटा का वट्टी का क्या होता है भाई गुण होता है इसका मतलब सारे के सारे जो लक्षण दे रखे हैं वो बिल्कुल ही सही है समझ में आए आपको तो ये ध्यान रखना एक स्लिट्स होता भी स्लिट्स जो होते हैं तो स्लिट्स जो होते हैं वो भी वट्टी का या कोडेटा का लक्षण माना जाता है भूणी अवस्था में सबके अंदर स्लिट्स पाए जाते हैं यानी जो छिद्र गिल्स की बात करें गलफड़ों के समझ में आया तो इसका आंसर क्या होगा ऑल जाएगा तो इस तरह के सवाल आएंगे चलिए विच वन इज नॉट कार्टिलेजिनस फिश उपास्ती मय मत्स्य की बात कर रहा हूं बड़ा अच्छा सवाल है इस तरह की सवाल ही देखने को मिलेंगे आप लोगों को वही चलिए विच वन इज नॉट कार्टिजीनस फिश की बात कर रहे हैं उपास्ति मई की बात कर रहे हैं कारट वाइट फि शार्क ट्राइगोन रे है ना दूसरा ऑप्शन एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश कतला क्लेरिया मागुर स्कोलियोडॉन डॉग फिश और फिश अब एक ट्रिक बताता हूं सिंपल सी सारे आपको याद हो जाएंगे और यह ट्रिक मैं बता रहा हूं उपास्ती में फिश की यानी जिनको कहते हैं कार्टिलेजिनस जीनस फिश की है ना तो यहां आप याद रखना प्रिंस ने स्कूल में कार तो ट्राई किया प्रिंस ने स्कूल में कार तो ट्राई किया प्रिस्टीज स्कूल स्कॉलियोडॉन कार कैर कैरोडॉन तो टॉरपीडो ट्राइ ट्राइगोन ट्राइगोन को क्या बोलते हैं स्टिंग स्टिंग रे, रे, यस झटका देने वाली विद्युत मछली है भाई ये कैसी है विद्युत मछली के नाम से जानी जाती है टॉरपीडो झटका देने वाली ठीक कार कैरोडॉन को व्हाइट शार्क कहते हैं तो ये सिंपल सी ट्रिक है आपके सामने प्रिंस ने स्कूल में कार तो ट्राई किया प्रिस्टिस ट्राइगोन ये सारे उपास्तिमय मछलियों के उदाहरण हैं और सवाल हमें क्या पूछा है नहीं है तो पहले ऑप्शन में सब मैच कर रहे हैं ये तो है एग्जोसिटस फ्लाइंग फिश और कतला भी आंसर बिल्कुल सही जा रहा है आपका एग्जोसीटस देखो और एक तरीका बता दो तो याद रखना एक्सो का मतलब बाहर तो बाहर की तरफ उड़ती है बाहर पानी की सतह पर जो रहेगी एग्जो हम फ्लाइंग कहां करते हैं कर सकते हैं, तो फ्लाइंग फिश का जो नाम है याद रखने का तरीका फ्लाइंग फिश, की तरफ उड़ने वाली सीटस। कतला, कतला, ये याद रखना भाई क्लेरास मागुर मछली है ये सब बोनी फिश है अस्थिल मछलियों के उदाहरण है किसके हैं अस्थिल मछलियों के, के उदाहरण माने जाते हैं स्कोलियोडॉन ये वाली डॉग फिश के नाम से जानते हैं जिनकी घ्रांड क्षमता बहुत ज्यादा होती है डॉग फिश कोलियोडोन सो फिश प्रेस्टिस बोलते हैं तो यहां जो सही उत्तर होगा बी होगा क्या होगा भाई बी होगा बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड लाइक टू सेलेक्ट बोनी फिश फॉर एक्वेरियम यानी कौन सी बोनी फिश अस्थिल मछली एक्वेरियम के अंदर चलिए आंसर दीजिए कौन सी मछली इसमें जो एक्वेरियम के लिए प्रयोग की जाती है घरों के अंदर जो हम बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत मछलियां होती है बेटा फाइटिंग फिश टेरोफाइलम एंजल फिश सी हॉर्स डॉग फिश सो फिश यहां आंसर की बात करते हैं तो जो पहला ही उत्तर दिख रहा है बेटा यानी फाइटिंग देखो तो याद रखने का तरीका भी बता रहा हूं बेटा लड़ते कौन है क्या बेटा लड़ते हैं ना तो देखो फाइटिंग बेटा तो बेटा फाइटिंग फिश टेरिस पर ही एंजल मिलती है भाई कहा जाते हैं छतों पर ही हम क्या देखते हैं एंजल देखते हैं टेरिस पर एंजल टेरिस एंजल फिश कभी कभी साइंटिफिक नाम भी आ जाते हैं तो थोड़ा याद रखे दिमाग में कोई रट्टा नहीं हुआ दिमाग है। बेटा लड़ते हैं फाइटिंग फिश और एंजल पर एंजल टेरिस पर तो टेरोफाइलम एंजल फिश ये सारी एक्वेरियम की फिश होती है ठीक सी हॉर्स जिसको हम कहते हैं समुंद्री घोड़ा इसकी एक खास बात है इसके अंदर जो मेल होते हैं उनके आगे पाउच होता है जिसमें वो एग लेके चलता है यानी यहां इसको मेल को प्रेग्नेंट की तरह मानते मेल प्रेग्नेंट की तरफ बिहेव करता है समुद्री घोड़े के अंदर ध्यान रखना पाउच लाइक -like स्ट्रक्चर होती है इसके आगे मेल के अंदर होती है सी हॉर्स में ठीक है तो इसका सही उत्तर जो होगा भाई क्या होगा ए ही होगा बिल्कुल सही नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं विच इज मिसमैच कौन सा बिल्कुल सही मिलाया गया नहीं है चलिए साइक्लोस्टोमेटा क्लोज सर्कुलेशन साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य जो होते हैं आभासी मछलियां कहलाती क्या कहलाती भाई आभासी मछलियां कहलाती है क्लोज सर्कुलेशन यानी बंद परिसंचरण। क्या भाई बंद परिसंचरण की बात कर रहा हूं ठीक तो याद रखना सी का कॉन्सेप्ट चुराना है सी का मतलब क्लोज यहां भी क्लोज तो एक सवाल लेके चल रहा हूं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा अगर मैं बात करता हूं बड़ा अच्छा सवाल होता है बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल की बात करने वाला हूं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं क्लोज की क्लोज का मतलब क्या होता है बंद होता है क्या होता है बंद परिसंचरण की बात कर रहा हूं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और उसके उदाहरण ही एग्जाम के अंदर सबसे टफ लगते अपन को तो इसको कैसे याद रखेंगे सी से अगर हम बात करते हैं बंद परिसंघ में एक थोड़ा सा याद रखना एनेलिडा एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं उनमें बंद एनेलिडा में कौन आते हैं भाई यानी हम बात करते हैं कैचवे की बात करते चलिए कैचुए की बात करते हैं एनेडा हिंदी में भी एनेडा लिखा जाएगा भाई फिर हम बात करते हैं आथ्रापोड़ा फिर मोलस्का इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा कौन आते हैं कॉर्डेटा के सदस्य सी इंग्लिश में क्या होता है याद हो जाएगा कॉर्डेटा सी से आता है हिंदी में पता नहीं चलता इसलिए अंग्रेजी का मैं जादू बता रहा हूं आपको जल्दी याद रहेगा देखो सी से अपन याद करने का तरीका एक एक्सेप्शन ये कॉर्डेटा सी से कोई नाम रहेंगे हिंदी के अंदर आप लोगों के लिए दूसरा मैं बात कर रहा हूं साइक्लोस्टोमेटा देखो ये भी सी से आ रहा है बड़ा आसान होगा तरीका दूसरा आता है इसके अंदर सी सी से आ रहा है इसलिए अंग्रेजी का ये थोड़ा सा फायदा होता है याद रखने का तरीका होता है ठीक है क्लोज की बात हो फिर आता है सी फेलो तो आप देखिए इसके अंदर कितना आसान हुआ याद रखना एक एनेलिडा को छोड़कर जिसमें कैचुआ आता है बाकी सारे जो सी से दिख रहे हैं कॉर्डेटा के सदस्य साइक्लोस्टोमेटा सिफेलोपोडा सिफेलोपोडा मोलस्का के सदस्य होते हैं किसके मोलस्का के सदस्य होते हैं ठीक है सिफेलो कॉर्डेटा की बात करते हैं तो ये जितने भी सदस्य सी से दिख रहे हैं उसमें बंद परिसंचरण यानी बंद परिसंत्र का मतलब है रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त बहेगा बिल्कुल सही जवाब है बोड़ा मोलस्का के सदस्य है तो इन सब सदस्यों के बड़ा अच्छा सवाल आएगा या तो डायरेक्टली आएगा या उनके सदस्यों का नाम देकर सवाल पूछा जाएगा और उम्मीद है यहां से सवाल निकलना चाहिए या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा या सदस्यों के आधार पर इनमें नाम पूछा जाएगा ठीक है भाई अंग्रेजी में थोड़ा जल्दी देखो सी 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 कॉन्सेप्ट याद हो जहां याद रहता है उनको पकड़िए आप लोग ठीक है ट्रिक जो है जो हिंदी में होती है इंग्लिश में जो आसान होती है वो तरीका बेहतर माना जाता है अब यहां सवाल है दूसरा ओपन ओपन का मतलब खुला परिसंचरण किसमें भाई खुला परिसंचरण की बात करूंगा खुला परिसंचरण तंत्र में बात करते हैं तो आथ्रापोडा के सदस्य आथ्रोपोडा ठीक है सबसे बड़ा संघ यही होता है और इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास होती है अच्छा सवाल है ये नॉन का आथ्रापोडा संघ के अंदर जो इंसेक्टा होती है हो, सबसे बड़ी क्लास होती है वर्ग होता है बड़ा अच्छा सवाल है पूछा अच्छा जाता है ठीक है भाई दूसरी जो चीज हम बात कर रहे हैं आथ्रापोड़ा के बाद में कौन आते हैं अब देखो पूरा याद रखना सीक्वेंस आथ्रापोडा मोलस्का मोलस्का इकाइनोडर्मेटा फिर हेमिकॉर्डेटा पूरी कंटिन्यू जो सीक्वेंस है बिल्कुल ये आएगा अत्रापोडा फिर मोलस्का मोलस्का के बाद में कौन आते हैं इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा और फिर कौन आते हैं हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा जिसके अंदर हम बात करते हैं सेकोग्लोसस है ना ये सारे सदस्य बड़ा आसान क्या हुआ याद रखना उसके बाद मोरफ का फिर, फिर एक सीक्वेंस हो गया क्या हो गया सीक्वेंस हो गया ठीक है जी तो ये ये ध्यान रखना कि खुला परिसंचरण परिसंचरण वाले वाले हैं और वाले हैं और बंद ठीक है ना याद रह जाएंगे ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बिल्कुल सेकेंड लार्जेस्ट मोरफ का बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल बहुत है तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बात कर रहे थे साइक्लो क्या हो गया बंद बिल्कुल सही है हैक फिश एक्सक्लूसिवली मरीन हैक फिश जो है साइक्लोस्टोमेट का सदस्य होता है हैक फिश जिसको हम चुड़ैल मछली भी बोलते हैं मैगजीन भी बोलते हैं और हैक फिश जो है वो समुद्री ही होती है केवल समुद्री हाँ जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सवाल ये भी आ सकता है कि कौन-कौन से जीव है जो केवल समुद्र में ही रहते हैं बड़ा अच्छा सवाल है इसको अपन यहां इस फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं केवल समुद्री क्या है केवल समुद्री की ही बात करें तो उसके अंदर ध्यान रखना टीनोफोरा के सदस्य टीनोफोरा के सदस्य केवल समुद्री होंगे इकाइनो के सदस्य कोई अपवाद नहीं है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इकाइनो डरमेटा के सदस्य भी केवल समुद्री होंगे और मैं बात करता हूं बच्चों प्रोटो कॉर्डेटा प्रोटो कॉर्डेटा की सदस्यों की तो वो भी समुद्री होंगे और मैं बात करता हूं हैग फिश की तो हैग फिश भी टोटल समुद्री है केवल समुद्री बड़ा अच्छा सवाल है तो ये आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से सदस्य है जो समुद्री ही होंगे क्या होंगे समुद्री टीनोफोरा के सदस्य दोस्तों समुद्री, इकाइनोडरमेटा के सदस्य समुद्री प्रोटोकोडेटा के सदस्य समुद्री और फिश भी समुद्री। ये भी अच्छा सवाल चलिए हम चल रहे थे उस सवाल पर ये समुद्री बिल्कुल सही है पेट्रोमाइजोन कैटाड्रोमस माइग्रेशन कैटाड्रोमस और एक होता एनाड्रोमस फिर अच्छी चीज लेके चलते हैं अगर मैं आपसे कहूं दो शब्द है एक का नाम है एनाड्रोमस एक का नाम होता है ड्रोमस। ये टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और अच्छा सवाल आएगा और ये सिलेबस में है सिलेबस में लिखा हुआ माइग्रेशन प्रवास ये ही प्रवास के बारे में है सवाल प्रवास का ही सवाल है जो ऐसा पूछा जाएगा एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस एनाड्रोमस का क्या मतलब होता है ऐसी बात करते हैं जो जीव समुद्र में रहते हैं कहां रहते हैं समुद्र में रहते हैं पर प्रजनन के लिए पर प्रजनन के लिए स्वच्छ जल की तरफ जाते हैं कहा जाते हैं स्वच्छ जल की तरफ जाते हैं और फिर उनकी वहां मृत्यु हो जाती है ठीक क्योंकि पराषणता नहीं बनाए रख पाते परंतु तो उनका लार्वा फिर से समुद्र में लौट आता है तो उनको कहते हैं एनाड्रोमस क्या बोलते हैं भाई एनाड्रोमस बोला जाता है ठीक है और कैटाड्रोमस का क्या मतलब होता है उल्टा धन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये होते हैं स्वच्छ जली कैसे होंगे स्वच्छ जली होते हैं कैसे होंगे स्वच्छ जली और ये कहा जाएंगे समुद्र में कहा जाएंगे समुद्र में जाएंगे प्रजनन के दौरान और इनकी मृत्यु ठीक है तो यहां जो ध्यान रखना समुद्र से स्वच्छ जल में जाना प्रजनन के लिए पेट्रोमाइजोन पेट्रोमाइजोन समुद्र में रहती कहां रहती है भाई समुद्र में रहती है और समुन्द्र में रहती है तो यह स्वच्छ जल में प्रजनन के लिए जाती है और लार्वा फिर से लौट आता है तो यह एनाड्रोमस होता है कैटाड्रोमस नहीं होता है बड़ा अच्छा सवाल है इसको हम कहते हैं कैटाड्रोमस प्रवास नहीं कह के एनाड्रोमस बोलेंगे तो यह जो चीज है गलत है एन की बात करते हैं उसमें भी अच्छा जीवन है और आपके सिलेबस के अंदर भी बच्चों दे रखा है बच्चों जो सिलेबस है बड़ा मैच करता है एनसीआर की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बीएससी की बुक्स भी अच्छी होती है जहां से सिलेबस बनाया गया है तो एमोसीट लार्वा जो होता है वो एम्फी और साइक्लोस्टोमेट्स के बीच की कड़ी होता है बिल्कुल सही है ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है बिल्कुल ये सिलेबस में बात कर रहा हूं इलेवेंथ ट्वेल्थ का एनसीआरटी और बीएससी ग्रेजुएशन ही एसीएफ के अंदर जूलॉजी बॉटनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है काफी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सवाल होते हैं एमोसिड लार्वा बड़ा अच्छा सवाल है डायरेक्टली अकेला सवाल भी आ सकता है इसमें मैंने चार पांच सवाल जैसे मांग करें तो इसमें एक ही सवाल में आ गए हैं एमोसिड लार्वा अच्छा सवाल एम्फियोक्सस और साइक्लोस्टोमेट के बीच की कड़ी होगा अब एम्फियोक्सस क्या है एम्फियोक्सस जो होते हैं इनको हम कहते हैं लैंसलेट क्या बोलते हैं लैंसलेट भी बोलते हैं ठीक है भाई ये एम्फियोक्सस जो होते हैं ये जो बात है प्रोटोकॉडेटा के सदस्य है। सीफेलो कॉडेटा के सदस्य है। किसके सदस्य हैं सिफेलोकॉडेटा के ये भी सवाल पूछा जा सकता है सीफेलो कॉडेटा के अंदर एक ही सदस्य बड़ा महत्वपूर्ण है ये वाला और साइक्लोस्टोमेट दोनों के बीच में ये लार्वा बड़ा महत्वपूर्ण है एमोसीट लार्वा बिल्कुल सही है और सवाल था गलत कौन सा है तो पेट्रोमाइजोन में एनाड्रोमस होगा कैटाड्रोमस नहीं होगा चलिए भाई चीज हमने देख ली अच्छा सवाल था इससे एक सवाल और दिमाग में आ रहा बड़ा अच्छा सवाल है यही ले लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हर्माफ्रोडाइट ये सवाल बड़े होते हैं जो डाटा बेस होते हैं उनको कैसे याद किया जाता है हर्माफ्रोडाइट की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं लेट का हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उबे लेंगी क्या होता है उबे लेंगी अगर मैं बात करता हूं इनके अंदर एग्जाम्पल की तो इसमें सिंपल सा याद रखना लेट्स सी हैक फिश चलो आओ देखो किसको हैकफिश को लेट्स सी हैकफिश लेट्स सी चलो आके देखें किसको हैक फिश को एल लीच थोड़ा अंग्रेजी होगा बट याद होगा लीच मैं हिंदी में लिख रहा हूं जॉक हिरुड की e. अर्थवम इसको बोलते हैं अर्थवर्म बड़ा अच्छा सवाल है ये ये याद रखेंगे तो बहुत सारे आपके बिल्कुल याद हो अर्थवम कैचुआ टी टैप पिताकर्मी एस स्पॉन्ज पॉरीफेरा के सदस्य उबे लिंगी होते उबे का मतलब दोनों नर और मादा एक भी होते हैं कैचुआ सी टीनोफोरा स्पेलिंग क्या सी से होते इसलिए इसको टीनो फोरा। टीनो फोरा के सदस्य है, है। तो ये याद रखना आप लोग दोस्तों उबे लिंगी अगर आए तो ये लिस्ट है कैसा भी सवाल है ये अकेला आए या साथ में आए बिल्कुल याद हो जाएगा ठीक है समझ में आए आप लोगों को चलिए लेट्स so सी हैक फिश लेज अर्थवम टेब वम स्पॉन्ज और टीनोफोरा ठीक है जी चलिए ये चीज हमने पढ़ ली और आगे एक प्रश्न की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियंस नहीं है एम्फीबियन का लक्षण कौन सा नहीं है ठीक है जी स्किन इज मोइ एंड विदाउट स्किल जो त्वचा होती है वो नम होती है और बिना सल्क के यानी सल्क रहित होती है सल्क रहित ठीक भाई क्या उबेचरों की बात करते हैं फ्रॉग देखो जब भी किसी को देखना तो उसका उदाहरण देके चलो उबेचर की बात करें फ्रॉग देखिए मेंढक देखिए में उसकी त्वचा कैसी होती है नम होती है क्या होते हैं क्या सल्क नहीं होते है। ठीक है तो ये लाइन बिल्कुल सही लिखिए क्लोका इज प्रेजेंट का मतलब होता है अवस्कर छिद्र इनमें गुदा नहीं होती है अवस्कर छिद्र होता है बिल्कुल सही है की बात करते हैं उसमें अवस्कर छिद्र होता है ठीक ये चीज याद रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक नेक्स्ट डायोसियस डायोसियस का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक लिंगी क्या मतलब होता है इसका एक लिंगी और मोनो का मतलब उभे लिंगी भी बोलते हैं एक्सट्रनल फर्टिलाइजेशन के अंदर कैसा निषेचन होता है जल के द्वारा यानी जल की आवश्यकता होती है बाह्य होता बिल्कुल सही है और भी अंडे देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब होता है क्या चीज होता है लार्वा डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का अप्रत्यक्ष परिवर्तन अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनके अंदर लार्वा होती कोई बता सकता है लार्वा का नाम बोलो क्या नाम है टैड पॉल क्या नाम होता है टैड पॉल बोलते हैं लार्वा को मेंढक के अंदर जो लार्वा होता है उसको टैड पॉल बोला जाता है क्या बोला जाता है टैड पॉल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है कि टैड पॉल और मेंढक में क्या अंतर होता है टैड कहां रहता है जल में मेंढक जल और स्थल दोनों में टैड पॉल जो लार्वा होता, होता है वो शाकाहारी होता है और मेंढक कैसा होता है कीटाहारी है ना तो ये जो बड़ी महत्वपूर्ण है उत्सर्जन का भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है मेंढक यूरियो यूरियोलिक यूरिया का उत्सर्जन करता है मेंढक हमारे जैसा है मेंढक जैसे नहीं है यानी मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता हम भी करते हैं और लार्वा जो टेडपोल होता है वो अमोनिया का उत्सर्जन करता ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है में मेंढक में और लार्वा टेडपोल में लास्ट है एमन्यूटिक एग इज प्रेजेंट अब एम्यूटिक एग का क्या मतलब है भ्रूण स्तर के अंदर हम भ्रूणकी में पढ़ते हैं चार परतें होती है सबसे बाहर होती है कोरियन, फिर एमनियोन फिर होते हैं पीतक योक्सेक और एक होती है एलेंटोइस। यहां एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण मैं समझाना चाहता हूं अगर हम भ्रूण झिल्लियों के आधार पर बात करते हैं, तो यहां एक बहुत चीज अच्छी है दो चीजों में बांटते हैं एमनियोटा और एन एमनियोटा एन एमनियोटा और दूसरा एमनियोटा कर लीजिए भ्रूण झीलियां अगर अनुपस्थित होगी तो एन एमनियोटा और उपस्थित होगी तो जीव एमनियोटा कहलाएगा अब याद रखना एमनियोटा मतलब भ्रूण झिलियां होती है तो सिंपल सा आर ए एम राम याद रखना आर ए एम राम के अंदर रेप्टाइल्स, एविस और मैमस बच्चों यहां हम बात करते हैं इसके अंदर यह है रेप्टाइल्स एविस और मैमल सर शराब पक्षी और स्तनधारियों की बात करते हैं राम के अंदर हम बात करते हैं। याद रखना एमनियोटा में राम उत्तर होगा और जहां अनुपस्थित होती है दो बज गए कौन फिश और दूसरा एमफी या एम्फीबियन इन दोनों में भ्रूण झिल्लियां नहीं पाई जाती अच्छा सवाल है कोडेटा का ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे आपसे बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपको तो जिसमें झिल्लियां होगी राम यहां लगना आरएम। अब इसी से मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और क्यों नहीं पढ़ा जाए इस सवाल को क्या बारह जोड़ी क्रेनियल नर्व कपाल तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं बारह जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं ये जो गुण वो भी राम के अंदर होगा ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अगर ये आपको पूछा जाए कशेरुकियों के अंदर मस्तिष्क दे रखा है सिलेबस के अंदर दस जोड़ी किसमें होते हैं दस जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मिलेगी मछलियों के अंदर कहा मिलेगी मछलियों के अंदर और दूसरा उबेचर के अंदर उबेचर के अंदर ठीक है जी तो यहां ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बनेगा दस जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मत्स्य और उबेचर के अंदर और बारह जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं राम यानी रेप्टाइल्स एविज और मैमल्स पक्षी और स्तनधारियों में पाई जाएगी इस तरह के तुलनात्मक क्योंकि सिलेबस में भी तुलनात्मक रूप से बताया गया बिल्कुल सही आ रहा आंसर बिल्कुल सही है ठीक है जी अब एक और सवाल दिमाग में आ रहे देखो इससे जुड़ी हुई चीजें काफी है और पुराना पेपर एसीएफ का जुलोजी का देखें क्वारेटा में तो तुलनात्मक चीजें काफी ज्यादा पूछी गई इसमें यह होता इसकी तुलना में इसमें क्या होगा ठीक है जी तो अगर हम बात करते हैं वो सवाल को पहले अपन देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं तो यहां क्या हो गया एमन्योटिक एग इज प्रेजेंट एमन्योटिक होगा क्या उपेचर में नहीं होगा क्योंकि ये एन के होते हैं है ना तो आंसर क्या जाएगा डी जाएगा क्या जाएगा डी जाएगा बिल्कुल सही है ये सारा लिख लिया आपने ये भी हमने देख लिया बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है चलिए फिर सवाल है एम्फीबिया क्या हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया की बात कर रहे हैज बॉडी डिविजिबल इन टू हैड एंड ट्रंक जो एम्फीबिया होते हैं किसको रिपीट करना भाई इसको तो देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए बारह जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं सरी सरफ में पक्षियों में स्तनधारियों में राम याद रखना बारह जोड़ी राम भ्रूण झिलिया एम बी आर ए एम राम याद रखना है ठीक एक और चीज भी आती है दो तरह की किडनी होती है मीजो और मेटा नेफ्रिक यहां जोड़ दू तो अच्छा रहेगा बिल्कुल यही आंसर जाएगा देखो चीजें जितनी होगी बड़ा आसान रहता मेटा नेफ्रिक किडनी सवाल आ जाए किडनी का मेटा नेफ्रिक किडनी मेटा नेफ्रिक किडनी की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी आर में मिलती है जबकि दस जोड़ी जो हम बात करते हैं कपाल मत्स्य उबेचर और इन्हीं के अंदर क्या मिलती है किडनी मिजोनेफ्री किडनी मिलेगी कैसी मिलेगी मीजोनेफ्री किडनी के आधार पर यह सवाल अच्छा बनता है किडनी किनमें देखने को मिलती है तुलनात्मक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होगा ठीक है जी समझ में आया आप लोगों को बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है चलिए तो हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ हैज बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक यानी जो इनका शरीर होता है वो सिर, ट्रंक, धड़ में क्या बोलते हैं ट्रंक को धड़ में टैल इज एम्फीबियन पूछ भी इनके अंदर देखने को मिलती बिल्कुल सही है अगर हमने मेंढक की तो मेंढक की पूछ नहीं होती पर उनके सदस्य की बात करते हैं राधे राधे है ना उनके सदस्य की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या देखने को मिलती सेला जिसमें पूछ होती है तो ये जो कथन है पहला वाला बिल्कुल सही है लिखा हुआ है कुछ एम्फीबियन में पूछ होगी बिल्कुल सही है जी शो रेस्पिरेशन बाई थ्रू स्किन यानी जो उबेचर होते हैं गलफड़ों से फेफड़ों से और त्वचा से सांस लेते हैं अब यहां पर मैं बता रहा हूं बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उबेचरों का मेंढक का ध्यान रखना मेंढक जो होता है वो दो तरह की चीजें बात कर रहा हूं अगर मैं बात करता हूं शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रेता की क्या मतलब है मेंढक जो होते हैं एक ही मौसम में बाहर आते हैं वो है बारिश का बारिश के मौसम के अंदर ही बाहर निकलते हैं और वो गर्मी और शीत ऋतु में नहीं क्योंकि वो निष्क्रियता में चले जाते हैं शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता उस दौरान अच्छा सवाल पूछा जाता है कि मेंढक शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के दौरान शोषण कैसे करता है कौन जवाब देगा भाई अगर हम बात करते उस स्थिति में वो स्कीन से त्वचा से सांस लेता है ध्यान रखना किससे लेगा त्वचा से सांस लेता है समझ में आई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो ध्यान रखें आप त्वचा से सांस लेगा दोनों के अंदर शीत निष्क्रिता और ग्रीष्म निष्क्रियता में तो ये चीज भी बिल्कुल सही है क्योंकि लार्वा की बात करते हैं तो गिल से होता है और मेंढक के अंदर मुख गुहा से फेफड़ों से और तवचा से सांस लेता बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही है Has in all its members. इस केस का मतलब सल्क कह रहा। क्या इनके सभी सदस्यों में सल्क होता है क्या सल्क रेपटाइज सरी सर्पों की पहचान है मछलियों में भी होते हैं पर उबे में सल्क नहीं होते इनकी तवचा नम होती है फिर से सुनिए यहां जो हम बात कर रहे हैं पहले शोशन की बात की थी शोषण में मैं कह रहा हूं कि जो लार्वा टेडपोल होता है वो गिल्स से सांस लेता गलफड़े होते हैं पानी में जितने भी होते हैं गिल्स होता है मेंढक फेफड़ों से भी कर सकता है त्वचा से भी कर सकता है और मुख गुआ से सांस ले सकता है तीनों चीजों से बिल्कुल सही है ये लाइन और यहां कह रहे हैं सल्क सल्क जो होते हैं मछलियों में मिलते हैं सरी सर्पों में पाए जाते हैं ठीक है जी यहां लिखा हुआ है कि इनके अंदर सर्क पाए जाते हैं में नहीं पाए जाती गलत चीज है क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है Can lead dual life. दोरा जीवन भी होगा और स्थलीय भी होगा बिल्कुल सही है कि जो एम्फीबिया के सदस्य होते हैं ये जलीय प्लस स्थलीय दोनों जीवन को प्रदर्शित करते हैं तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए सभी सत्य है क्या फर्स्ट और फोर्थ सही है क्या कि ओनली थर्ड रॉन्ग है ओनली सेकेंड रॉन्ग है क्या आंसर होना चाहिए थर्ड यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब आप दिया आपने ये सी ऑप्शन होगा चलिए अगला सवाल रेप्टाइल्स एंड एवीज बर्ड्स शो सिमिलिटीज इन ऑल एक्सेप्ट सरी सर्पों और पक्षियों की बात की जाए तो उनके अंदर समानता मिलती किसी एक को छोड़कर एक अपवाद है किसको छोड़कर डायोसियस फॉर्म यानी एक लिंगी होते हैं बिल्कुल सही है पक्षी भी एक लिंगी होते हैं और भी एक लिंगी होते हैं ओवीपेरस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ओवीपेरस का मतलब हो गया अंडज ठीक और आंतरिक निषेचन बिल्कुल सही है क्रिपिंग और क्रेवलिंग लोकोमोशन रेंग कर चलने वाले रेंग कर चलने वाले बिल्कुल सही ठीक है डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रत्यक्ष तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर तो सही जवाब क्या है दोनों में सब जो हटकर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही डी नहीं होगा सी होगा प्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब लार्वा अवस्था जो होती है इनमें देखने को नहीं मिलती डायरेक्ट बच्चे होते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष है ना? उबे चरों के अंदर हम बात करते हैं दोस्तों लार्वा लार्वा होती होती है है इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष देखो एक चीज समझाता हूं जब अवस्था फिर जो शिशु बनता है तो उसको अप्रत्यक्ष और डायरेक्ट शिशु जैसी बनती अवस्था तो उसको प्रत्यक्ष परिवर्तन कहा जाता है तो भाई पक्षियों में सीधे अंडे बच्चे होते हैं लार्वा नहीं होता तो प्रत्यक्ष परिवर्तन बिल्कुल सही है तो यहां जो अलग हटकर होगा वो ये चीज होगी बिल्कुल सही आंसर आ रहा सब लोगों का बिल्कुल सही प्रहलाद जी चलिए अब आ गया है एसीएफ का क्वेश्चन आया था और फिर उम्मीद है ऐसे ही सवालों की विच इज पॉइजनस स्नेक कौन सा विशेला सांप होता है तैयार तो हो जाइए कौन सा विशेला सांप होता है अगर यहां बात करते हैं विशेलेष सांप की नाजा कोबरा बैनगरस क्रैथ वाइपर और ऑल क्या आंसर जाना चाहिए कौन सा विशेला सांप होता है नाजा किंग कोबरा की बात कर रहे हैं बेनगेरस की बात कर रहे हैं वाइपर की बात करते हैं क्या सारे के सारे बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है सारे के सारे विशेले सांप है है ना ऑल आर करेक्ट सारे के सारे विशेले सांप है इन सब के अंदर फैंक्स तिच्चू होते हैं मैग्जिली होते हैं जहां विष ग्रंथियां होती है ध्यान रखना सब विषेले सांप के उदाहरण है फर्क क्या होगा इनके अंदर हम देखते हैं फर्क क्या होगा दो तरह के विष होते हैं एक होता है न्यूरोटॉक्सिक बड़ा अच्छा सवाल है यह मुझे लगता है आना चाहिए कार्डियोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिका मतलब वो भी जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर असर करेगा न्यूरोटॉक्सिक और जो हार्ट पर सीधा असर करेगा कार्डियोटॉक्सिक हार्ट अटैक आने का चांस होता है ठीक है ना फैंक्स बिल्कुल सही जवाब है फैंक्स न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक में सिंपल सा याद रखना अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर वाइपर देखो बड़ा आसान है देखो याद रखने की वाइपर वाइपर कैसा मिल रहा है वाइपर वाइप जैसा है है ना तो आदमी परेशान किससे होता है खुश भी उससे होता है परेशान भी उससे होता है है ना टेंशन आता है ना है ना किससे अटैक जस्ट केवल समझने के लिए कार्डियो क्या है कार्डियोटॉक्सिक की बात कर रहा हूं मैं वाइपर वाइफ कार्डियोटॉक्स अटैक है ना जमी देखो वाइपर, वाइपर कार्डियो के लिए है ना जुड़ी हुई चीज समझिए जो अटैक के लिए हम बात कर रहे हैं है ना याद करने के लिए बस याद रखना है तो वाइपर जो होता है वो ध्यान रखना कार्डियोटॉक्सिक होता है दिल का दौरा जो होता है वाइपर से याद रह जाएगा और न्यूरोटॉक्सिक न्यूरो क्वेश्चन आ चुका है कोबरा ये क्वेश्चन आ चुका है एसीएफ के अंदर पिछले बार न्यूरोटॉक्सिक कोबरा याद रखें ठीक है बड़ा महत्वपूर्ण है किंग कोबरा की एक ड्रॉप जो पॉइजन की होती है एक लोगों को मार सकती है इतना ज्यादा जहरीला होता है ठीक है और कौन सा जहरीला नहीं होता है बिल्कुल भाई हिमोटॉक्सिक लिख रहे हैं बिल्कुल यही कार्डियोटॉक्सिक और हिमोटॉक्सिक के लिए बात कर रहे हैं ठीक है और हम बात करें थे इसके अंदर पाइथन याद रखना अजगर जो होता है अजगर जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है एनाकोंडा की बात करते हैं अजगर की बात करते हैं ये नॉन पॉइजन सांपों में आते हैं और एक सवाल में इस पर आ चुका है कि कौन से सांप होते हैं जिनमें मेकला और अवशेषी उपांग पाए जाते हैं पशपाद होते हैं अजगर क्या है अजगर जो होता है अजगर जो होता है उसके अंदर शोणी मेकला नीचे वाले जो हम बात करते हैं और पश उपांग अवशेषी रूप में पाए जाते हैं यह भी सवाल आ चुका सर्पों पर तो याद रखना अजगर के अंदर शोणी मेकला और पश उपांग अवशेषी अंगों के रूप में पाए जाते हैं और यह सवाल भी पूछा जा चुका है अब कोबरा पे एक अच्छा सवाल आते हैं जनरली हम बात करते हैं सांपों की तो जो सांप होते हैं वो अंडजी होते हैं पर कुछ जरायुज भी होते हैं और कुछ सांप होते हैं घोसला बनाते हैं अपने बच्चों के लिए अंडों को रखने कौन सा सांप है जो घोसला बनाता है कोबरा ध्यान रखना किंग कोबरा जो होते हैं वो घोसला बनाते सांप होते हैं जो नेस्ट या घोसलों का निर्माण करते हैं ये भी अच्छा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है और एक सवाल फिर आ चुका है एसीएफ के अंदर मैं कह रहा हूं ये जो सांपों वाला भाग है एसीएफ में पिछली बार चार पांच सवाल इस पर पूछे गए थे ठीक है ना बैन क्या होता है भाई ये क्रेत होती है बोगी जैसा होता है क्रेत ठीक है ना और अगर मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर जो सवालों की चलिए देख लेते हैं इसके अंदर एक छोटे से याद रखना लाइन में सीरवी इसमें क्या याद रखना है इसमें एक ट्रिक है S E का मतलब होता है सी स्नेक आर का मतलब रेटल स्नेक और वी आई का मतलब वाइपर और यहां वी आई से चुराना है अपने को ये जो दिख रहा है वी आई इस वी आई का जो मतलब होता है वीवी वी पेरस थोड़ा अंग्रेजी शब्द है मैं हिंदी में बताऊंगा वीवी पेरस यानी जरायुज़ क्या है जरायुज़ जरायुज वो होते हैं जो बच्चे देते हैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कौन से सांप होते हैं जो जरायुज होते हैं जरायुज सांपों की बात कर रहा हूं मैं जरा यूज सांपों की बात कर रहा हूं एक ट्रिक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो बचे वो अंडा होंगे अगर सवाल ये आ चुका है और मुझे उम्मीद है फिर से घुमाकर सवाल पूछना ही जाएगा तो सी स्नेक समुद्री सांप जो होते हैं वो जरा यूज होते हैं बच्चे देते हैं अंडे नहीं देते हैं ठीक है और रेटल की बात कर रहा हूं रेटल की बात कर रहा हूं रेटल सांप भी जरा यूज होता है वाइपर की बात कर रहा हूं वो भी जरा यूज होता है कौन सा सांप नजर नहीं आ रहा है कोबरा आपको नजर नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है क्रेत नजर नहीं आ रहा है है ना बेनगेरस की बात करती ये दो सांप जो होते हैं वो अंडच होते हैं क्या होंगे भाई अंड है यानी अंडे देने वाले ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में हर कॉम्पिटेटिव में भी अच्छे रहते हैं सवाल जरा सांप कौन से होते हैं अंडर सांप कौन से हो चुका है का क्वेश्चन इस पर फिर सांप पर था स्नेक समुद्री सांप समुद्री सांप की जो पूंछ की बात करते हैं पार्श्व जो चपटी पूंछ होती पार्श्व भागों में चपटी पूंछ किस सांप का गुण होता है ये सवाल आ चुका सी स्नेक आंसर था उसका पार्श्व बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है पार्शु चपटी पूछ पार्श्व चपटी पूछ किस सांप के अंदर होता है यह सवाल भी पूछा जा चुका है के अंदर तो आप देख रहे हैं कितने सवाल पूछे गए इस भाग से इस पार्ट से बड़ा महत्वपूर्ण भाग है चले आगे चलिए फिर सवाल है थीकोड और डायफ्राम आर प्रेजेंटिंग भाई ये सिलेबस की लास्ट लाइन लिखा हुआ डेंटिस्ट दंत विन्यास जहां से एक सवाल तो मुझे लगता है निकालना ही पड़ेगा और दंत विन्यास में हम बात करते हैं हमारी बात करें वैसे ये फिजियोलॉजी का भाग हो जाता है मानव का भाग हो जाता है पर हम जब क्वालिटा की बात करते हैं तो सवाल क्या बनेगा तुलनात्मक सवाल बनेगा और तुलनात्मक सवाल का मतलब हमारे दांत ध्यान रखना हमारे दांत जो दंती होते दिवती होते जिंदगी में दो बार आते हैं दूसरा हमारे दांत जबड़ों में धसे होते हैं उसको कहते हैं ठीकोडोन जबड़ों में धसे दांतों को बोलते हैं ठीकोडोन और हमारे दांत दो बार आते हैं तो डायफा यहां हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी चीज बतानी है आप दोनों में से जो कौन बताएगा इसके जवाब दीजिए आप लोग बिल्कुल 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 दे रहे हो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो डायफ्राम डायफ्राम मेम्बल का करैक्टर है स्तन धारियों की विशेषता है है ना और एक ऐसा रेप्टाइल सरी सरफ है जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ह्यूमन ओनली मनुष्य नहीं कोकोडाइल ओनली नहीं वो एन बी यस सी आंसर मैंने फिर कहा था इन चीजों का ध्यान रखना आप कि सारे ऑप्शन पढ़े कि दोनों विशेषताएं ह्यूमन और कोकोडाइल मनुष्य और मगर के अंदर मगरमच्छ के अंदर एक और चीज मैं आना चाहता हूं क्या मगर की एक और विशेषता फोर चैम्बर, चार चैम्बर वाला हार्ट बहुत महत्वपूर्ण सवाल फोर चैम्बर हार्ट डाइफ्राम और ठीक बड़ा अच्छा सवाल है अगर सवाल बनता है तो यही बनेगा अगर तुलनात्मक रूप से सवाल आता है कौन सी विशेषताएं मगरमच्छ में हमारे से मैच करती है भाई तीन चीजें दोस्तों चार चैंबर वाला हार्ट रेप्टाइज का गुण नहीं होता है मगर मगर अपवाद है यस एलिगेटर मगरमच्छ में चार चैम्बर का हार्ट होगा डाइफ्राम होगा थ्रिकोड होगा तो इसलिए सही जवाब जो होगा वो सी होगा ए और बी आंसर जाएगा आया अब इससे एक और सवाल निकलता बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ए में यह सवाल पूछा जा चुका है कहा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सूडो सेगमेंट इसमें सूडो चार नहीं कहते हैं कंप्लीट चार मान के चलेंगे अपन है ना उससे पहले एक अच्छी चीज की बात कर लेता हूं मैं ये सवाल आ चुका है उत्सर्जन की बात कर रहे हैं इसमें और उत्सर्जन के लिए हम बात करते हैं एक चीज <coughs> मुत्राशय ये सवाल आ चुका है और फिर घुमा के आने की मुझे पूरी उम्मीद है बड़ा अच्छा सवाल है मूत्राशय पर ठीक है ना कैसे याद रखेंगे मान के चलो पानी में कौन है फिश है फिश को कौन खा गया स्नेक खा गया स्नेक को कौन पकड़ के ले गया बर्ड्स फिश को कौन खाता है स्नेक स्नेक को कौन खाता है बर्ड्स ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि किन जीवों के अंदर मूत्राशय अनुपस्थित होगा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है फिश को स्नेक को बर्ड्स को का मतलब क्रोकोडाइल क्या याद रखना है क्रोकोडाइल मछलियां मगरमच्छ, सांप और पक्षियों में मुत्रा से अनुपस्थित होता है अब सवाल ए सी एफ का क्या था सवाल एसीएफ का क्या था अपवाद था कि कौन से पक्षी के अंदर मूत्राशय पाया जाता है और वो था सुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच भाई सूत्रमुर्ग की बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका जिसकी अंडे की बात करते हैं सूत्रमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है ये चीज बिल्कुल तो याद रखना है ट्रिक भाई मूत्राशय किन में मछलियों में क्रोकोडाइल स्नेक और बर्ड्स में अनुपस्थित होगा अपवाद क्या है ऑस्ट्रिच सुतुरमुर्ग जिसमें मुत्रा से उपस्थित होगा समझ में आया आप लोगों को तो ये सवाल एसीएफ में आ चुका है ये क्वेश्चन तो आ चुका है फिर उम्मीदों में रहेगा ठीक है भाई शुतुर बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट सवाल बर्ड डिफर्स फ्रॉम बैट चमक और पक्षियों में हम बात कर रहे हैं किस चीज के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं इसका मतलब तो समतापी समतापी का मतलब दो चीज ध्यान रखना भाई एक होता है शीत रुधिरहारी एक होता है ग्रीष्म रुदिरहारी कोल्ड ब्लेडेड और वार्म ब्लेडेड जिसकी बात हमारा गर्म खून होता है पक्षियों का भी गर्म खून होता है तो दो चीजें ध्यान रखना पक्षी और स्तनधारी होते हैं वो गर्म खून वाले होते हैं बाकी सब ठंडे खून वाले होते हैं अब गर्म खून का मतलब यह है कि हम अपने आंतरिक वातावरण को पराशरणता को बनाए रख सकते हैं और यह विशेषता केवल पक्षियों और स्तनधारियों में तो यह कहलाते हैं समतापी और जो ठंडे वाले उसको कहते हैं किलोथर्मी, रुधिर शीत रुधिर हारी ध्यान रखना फॉर चेंबर हार्ट दोनों में मिलेगा सिरिंग्स पक्षियों के अंदर जो स्वर रज्जु होता है स्वर तंत्र होता है हमारे अंदर हम बोलते हैं लेरिंग और इनको बोलते हैं स्वर तंत्र एक अकेला सवाल भी आ सकता है और आया हुआ है पक्षियों के अंदर स्वर तंत्र को क्या बोला जाता है सीरिंग्स बोला जाता है वैसे चमगादड़ पक्षी नहीं है स्तनधारी है पर यहां भी सीरिंग्स पाया जाता है डायफ्राम जो है केवल स्तनधारी के अंदर ही मिलता है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों स्तनधारी के अंदर ही मिलता है और इसलिए ये वर्ड में नहीं मिलेगा तो आंसर क्या जाएगा डायफ्राम बिल्कुल सही जवाब दे रखे बट यहां सी ने डी आंसर बिल्कुल सही होगा डायफ्राम इसलिए बड़ा अच्छा सवाल है कि यहां कंफ्यूज करेंगे सीरिंग्स मिलता है बैट के अंदर डायफ्राम केवल स्तनधारियों के अंदर विशेषता मानी जाएगी ठीक है जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था चलिए द स्केल फाउंड ऑन शार्क सल की बात कर रहे हैं अगर हम बात करते हैं शार्क शार्क के अंदर सल्क को क्या कहते हैं प्लेकोइड, क्रेइड टिनोइड नन ऑफ द एब कौन जवाब देगा भाई इनके अंदर बड़ा अच्छा सवाल है कि जो शार्क होती है शार्क मछली की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो सल्क होते हैं उनको क्या कहा जाता है उनको प्लेकोइड कहा जाता है क्या कहा जाता है प्लेकोइड याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये प्लेकोइड ही शार्क के अंदर दंत का रूपांतरण होता है क्या होता है ये दंत का रूपांतरण ही होता है जो हार्ड होते हैं ठीक है जी ये दंत का रूपांतरण होता है प्लेकोइड सल्क क्या होता है प्लेकोइड और अगर सवाल आ जाए साइक्लोइड का ये मिलेंगे अस्थिल मछलियों में किसमें मिलते हैं अस्थिल मछली बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि पिछली बार भी यह सवाल आ चुका है ठीक है ना साइक्लोड सल्क अस्थिल मछलियों की विशेषता है और प्लेकोड सल्क जो होती है शार के अंदर देखने को मिलता है बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग दंत का रूपांतरण माना जाता है प्लेकोड बहुत हार्ड होता है और एक चीज बड़ी अच्छी है क्या शार का एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है इनमें अवस्कर छिद्र होते हैं और वो भी जो पैल्विक पैल्विक का मतलब पंख या पंख के नीचे ये अच्छा सवाल है बहुत बढ़िया शार का सवाल आता है कि शार्क के अंदर अवस्कर छिद्र जनन के लिए किस भाग में पाए जाते हैं शोणी पंख के नीचे इनमें अवस्कर छिद्र पाए जाते हैं ध्यान रखना ठीक है ना तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा शार्क के अंदर अवस्कर छिद्र जो होता है पैलविकोणी पंख में मिलता है और यहां जो शल्क होते हैं प्लेकोइड होते हैं और जो अस्थिल मछली में होते हैं वो साइक्लोन प्रकार के शल्क पाए जाते हैं याद रहेगा आप लोगों को तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर यूनाइटिंग ऑल कॉर्डेट्स अगर मैं बात करता हूं इनके अंदर कौन सा जो गुण है जो अगर हम बात करते हैं स्केल को हम बाद में देखते हैं बच्चों दो प्रकार के जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर यूनिटिंग कॉर्डेट्स नॉट डोर्सल हार्ट डोर्सल होलो नर्व ट्यूब और फेरेंजल स्लिट्स की बात कर रहे हैं अगर सवाल को देखें तो इसके अंदर लिखा है कि कॉर्डेट की कौन सी विशेषता नहीं होगी चलिए नोटोकॉर्ड किसका गुण है नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में मिलेगा डोर्सल हार्ट हमारे अंदर हार्ट कहां होता है डोरसेल का मतलब क्या होता है पृष्ठ हृदय क्या है पृष्ठ हृदय है हमारा हृदय क्या होता है अदर आगे की तरफ होता है तो ये क्या है गलत है क्या है गलत है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो वेंट्रल या अदर सतह की तरफ होता है किधर होता है अदर सतह की तरफ पाया जाएगा जबकि या रखा है डोरसल हार्टी प्रस सत हमारा दिमाग डोरसल होलो नर्व ट्यूब है पीछे की तरफ होता है खाली होता है सिंगल होता है बिल्कुल सही है स्लीट्स होते हैं फेरेंजियल स्लीट्स की बात करें छिद्र होते हैं बिल्कुल सही है इसलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है यानी आंसर यहां सेकेंड ही जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन देखिए एडप्टेशन यानी अनुकूलन पर है तो दोस्तों बेसिक एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स इज फाइट उड़ने वाले पंछियों की बात कही जा रही है विशेषता उड़ान से, से संबंधित नहीं होगी कौन सी विशेषता उड़ान से, से संबंधित नहीं होगी जवाब दीजिए कौन सी विशेषता उड़ान से, से संबंधित नहीं होगी गुड हीरिंग अच्छा सुनना गुड आई साइट अच्छा देखना गुड मस्कुलर यानी होलो बोन यानी खोखली अस्थियां खोखली अस्थियां जरूरी है उड़ान के लिए उड़ान के लिए जरूरी है खोखली अस्थियां क्योंकि इनमें हवा भरी होती है जिसको न्यूमेटिक बोन कहा जाता है ये बिल्कुल सही है उत्तर ये तो होना ही चाहिए मसल्स का मतलब मांसपेशियां इनमें जरूरी है उड़ने के लिए इनको फ्लाइट मसल्स कहते हैं उसमें माइक्रोकॉन्ट्रेक्ट की संख्या बहुत ज्यादा होती है ये तो विशेषता है यहां प्रश्न ध्यान से इसलिए कहते प्रश्न पूरा पढ़ें आप लोग नॉट पूछा है आई साइट टेलीस्कोपिक होती है भाई इनकी दृष्टि टेलीस्कोपिक है टेलीस्कोपिक का मतलब क्या होता दूर दृष्टि बाज देखिए बाज कई मीलों तक देख सकता है सुनने की क्षमता इनमें अच्छी नहीं इसलिए आंसर क्या जाएगा ये है सिलेबस में इस तरह के अनुकूलन आंसर हीरिंग सुनना इनकी उड़ान से संबंधित नहीं है बिल्कुल सही जवाब दिया चलिए आइडेंटिफाई वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजाड भाई यहां दो शब्दों पे ध्यान दीजिए सवाल है क्रॉप और गिजाड क्रॉप और गिजाड़ की बात कर रहा हूं अगर मैं बात करता हूं क्रॉप की और मैं बात करता हूं इसमें गिजाड़ जिसको कहते हैं पेशनी, क्या बोलते हैं पेशनी? और क्रॉप होता है संग्रहण का काम करता है किसका काम करता है चलिए देखो ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर हम बात करते हैं क्रॉप और पेशनी पाए जाए पेशने का काम होता है पीसना और क्रॉप का काम होता है संग्रहण और ऐसा हम बात करते हैं पीजन कबूतर के अंदर, फ्लेमिंगो के अंदर अंदर फ्लेमिंगो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कबूतर होते हैं फ्लेमिंगो पक्षी होता है उसमें मिल्क ग्लैंड जैसी चीज होती है क्रॉप ग्लैंड बोलते हैं उनको बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेडिकल के लिए भी आता है और ये आपके एसीएफ के अंदर भी पूछा जाता है क्रॉप ग्लैंड को मिल्क ग्लैंड भी कहा जाता है और ये दोनों चीजें क्रॉप ग्रंथियां और पेशनी पक्षियों की विशेषता होती है किसकी विशेषता है पक्षियों की यानी यहां जो उत्तर जाएगा एवीज पक्षी जाएगा क्या जाएगा पक्षी जाएगा बिल्कुल सही दिया पीजन जिसमें क्रॉप या मिल्क ग्लैंड पाई जाती बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं बिल्कुल सही पक्षी इसका सही जब पक्षियों की बात चली है तो कुछ चीजें पक्षियों की बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर ध्यान रखें आप लोग अगर मैं बर्ड्स की बात करता हूं तो पहली चीज इनके अंदर ध्यान रखना इनमें सीरिंग्स होता है स्वर तंत्र हटकर इनमें खोखली बॉन्ज होती है, उसको कहते हैं न्यूमो निमोटिक क्या होता है न्यूमोटिक बोन अस्तियां न्यूमोटिक का मतलब खोखली होती इसमें हवा भरी होती जो उड़ने में सहायता करती है इनकी आंखों के अंदर पैक्टिन क्या होता है नेत्र में पैक्टिन वर्णक होता है नेत्र के अंदर ये चीज मिलती है इनके अंदर चमकती है पैक्टिन ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है सिंगल ओवरी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही है सिंगल ओवरी यानी एक जो होता है अंडाशय के अंदर देखने को मिलता है और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है यह मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ब्लड की बात करता हूं रक्त की बात करता हूं आरबीसी पर एम एम क्यूब की बात कर रहा हूं हमारा शरीर बड़ा हमारे अंदर रक्त ज्यादा होगा पर अगर एक प्रति क्यूब के अंदर रक्त सबसे ज्यादा किसमें होगा पक्षियों में सर्वाधिक आरबीसी पर सर्वाधिक रक्त के अंदर उत्तर पक्षी जाएगा तो ये कुछ चीजें हैं जो हटकर है जो पक्षियों में मिलती है इनके अंदर बात करते हैं जो राइट ओवरी बिल्कुल एब्सेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप एक ही ओवरी होती है और पक्षियों के अंदर जो होते हैं यहां प्रीन ग्लैंड तेल ग्रंथियां बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है प्रीन ग्रंथियां ऑयल ग्लैंड जिसको कहते हैं ध्यान रखना पूंछ के पास जो होती है ऑयल ग्लैंड होती है प्रिय ग्रंथियां होती है जो पंखों को पूंछ वाले हिस्सों को चिकनाहट प्रदान करती है यह भी एक खास विशेषता इनके अंदर मानी जाती है तो बड़ा अच्छा सवाल यहां से पूछा जाता है और इससे एक जुड़ी हुई चीज आप ध्यान रखना यह सवाल आ चुके हैं उड़ान रहित उड़ान रहित पक्षी जो उड़ नहीं सकते यह सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है बड़ा हाट की बात कर रहे हैं किसके अंदर ब्लू वेल well. उड़ान रहित पक्षी में कीवी न्यूजीलैंड के अंदर ही पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता ऑस्ट्रिच एमू है ना ये कुछ पक्षी है जो ध्यान रखना उड़ान रहित रिया कैसोवरी बहुत सारी लिस्ट है आप याद रखें इनको ये डायरेक्टली पूछा जाता है कैसोवरी रिया ऑस्ट्रिच उड़ान रहित पक्षी है और हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरा जो इसमें जो लुप्त हो चुका है डोडो लुप्त पक्षी है ये उड़ नहीं सकता इसलिए लुप्त हो गया था पूछा जाता है तो कौन सा लुप्त पक्षी है जो उड़ नहीं सकता था डोडो मॉरिशस का एमू बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो एमू की बात करते हैं ये भी नहीं उड़ सकता है इसके अंदर ठीक है पेंगुइन की बात करते हैं ठीक है ना तो ये चीजें जो होती है सारी चीज में ध्यान रखना ठीक वी ऑस्ट्रिच रिया कैसोवरी डोडो और एमू ये सारी चीजें ध्यान रखना आरबीसी काउंट जो होता है जनरली हमारे अंदर साढ़े पांच एमएम की बात करते हैं मिलियन पर एमएम क्यूब होता है इनके अंदर पर एमएम क्यूब की तुलना में ज्यादा होता है इतना अमाउंट हमारे जितना आरबीसी में नहीं होता इनके अंदर ठीक है जी तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं फॉरली मॉडिफाइड इन टू फेदर जो इनके अगर पाद होते हैं वो पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं बिल्कुल सही लिख रहे हो इसलिए इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइस कहते हैं ठीक और एक सवाल एसीएफ का अच्छा सवाल पूछा गया था कि जो हम बात करते हैं ये रेप्टाइस होते सर सर्फ उनका जो युग होता है वो सोनिंग युग मीजो जो होता है कौन सा होता है मिजो जो होता है तो यहां एक लास्ट में ले लेते हैं अपन न्यूमेटिक बॉन चार चेंबर हार्ट किसका गुण होगा न्यूमेटिक बॉन्ड अभी पढ़ा हमने फोर चेंबर हार्ट किसका गुण होगा भाई बिल्कुल आसान है अभी पढ़ा है पक्षियों का आंसर जाएगा ठीक एडेप्टिव रेडिएशन सिलेबस की लाइन है अनुकूली विकिरण सिलेबस की लाइन है अनुकूली विकिरण हमने बहुत अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलने वाले हैं अनुकूली विकिरण का मतलब एक बिंदु से शुरू होता है और वो अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रसारित हो जाते हैं इसको कहते हैं अनुकूली विकिरण एक बिंदु से शुरू होकर अलग अलग जगह फैलना बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं अनुकूली विकिरण एक बिंदु से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल बिल्कुल डार्विन फिंच बिल्कुल यानी आंसर सी होगा याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और आएगा तो यही आएगा छपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंगारू की बात करते हैं वहां के चूहों की बात करते हैं है ना और डार्विन की की बात करते हैं फिंचेस द्वीप के अंदर ये सब अनुकूली विकिरण का उदाहरण माने जाते हैं ठीक है जी और इसी के साथ ये कॉडेटा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेन मेन जो इसके अंदर टॉपिक थे क्वेश्चन थे हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हॉप इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलने की उम्मीद रहेगी क्लियर चलिए थैंक यू सो मच गुड लक कीप वॉचिंग उत्कर्ष